कुछ नेता तो झूठ की मशीन की तरह है, जब भी मुंह खोलते हैं धार 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 AK-47 की तरह बस झूठ ही निकलता शुरू हो जाता है। आप लोगों से ज्यादा रेलवे के प्रति मेरा प्यार है, क्योंकि मेरा तो जीवन ही उसके कारण बना है। जो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो सरासर गलत है। सरकार 151 प्राइवेट ट्रेनों के प्रोजेक्ट को शुरू करने जा रही है, निजी कंपनियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। केंद्र सरकार ने रेलवे में निजीकरण की तरफ पहला बड़ा कदम उठा लिया है। रेल मंत्रालय ने 109 रूट्स पर यात्री ट्रेन चलाने के लिए प्राइवेट पार्टीज को इनविटेशन दिया है। इसके लिए प्राइवेट पार्टीज को 30,000 करोड़ का निवेश करना होगा। पहली बार रेलवे में यात्री ट्रेन चलाने के लिए प्राइवेट पार्टी को आमंत्रित किया गया है। कुछ नेता तो झूठ की मशीन की तरह है, जब भी मुंह खोलते हैं धार 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 AK-47 की तरह बस झूठ ही निकलता शुरू हो जाता है। आजादी के बाद से 2014 तक 67 साल में 65 एयरपोर्ट थे, 65, यानी कि एवरेज एक साल में एक हवाई अड्डा। बीते 4 वर्षों में एक साल में 9 एयरपोर्ट उड़ान के लिए तैयार। मोदी जी की सरकार में पिछले 4 साल में सिर्फ 4 नए एयरपोर्ट बने हैं, और ये बात हम हवा हवाई ढंग से नहीं कह रहे हैं, खुद मोदी जी की सरकार की जो रिपोर्टें हैं उनके हवाले से कह रहे हैं। कुछ नेता तो झूठ की मशीन की तरह है, जब भी मुंह खोलते हैं धार 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 AK-47 की तरह बस झूठ ही निकलता शुरू हो जाता है। कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को देखें तो दुनिया के अनेक देशों की तुलना में भारत संभली हुई स्थिति में है। कोरोना संक्रमण से जुड़ी हुई देश में कोरोना मरीजों की संख्या 6,97,000 से ज्यादा हो गई है। एक दिन में कोरोना के 24,248 नए केस सामने आए हैं। संक्रमित मरीजों की संख्या के मामले में भारत रूस से आगे तीसरे नंबर पर आ गया है। एक्टिव मरीज 253,287 है, ठीक हुए 424,433। अब तक मौत 19,693 लोगों की हो चुकी है। एक दिन में ठीक हुए मरीजों की संख्या 15,350। कुछ नेता तो झूठ की मशीन की तरह है, जब भी मुंह खोलते हैं धार 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 AK-47 की तरह बस झूठ ही निकलता शुरू हो जाता है। न वहाँ कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे LAC के पास। गलवान घाटी में झड़प वाली जगह से चीनी सेना 1 किलोमीटर पीछे हट गई है। दोनों सेना बातचीत के बाद नई पोजीशन में आ गई है। बफर जोन बनाने पर सहमति हुई है। ये तय हुआ है कि इसका उल्लंघन दोनों पक्ष नहीं करेंगे। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि LAC पर झड़प वाली जगह से चीनी सेना पीछे हटी है करीब 1 किलोमीटर। कुछ नेता तो झूठ की मशीन की तरह है, जब भी मुंह खोलते हैं धार 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 AK-47 की तरह बस झूठ ही निकलता शुरू हो जाता है। भाई बहनों, 50 दिन मेरी मदद करें, देश 50 दिन मेरी मदद करे। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार। देश में काले धन को मिटाने के लिए नोटबंदी का फैसला लिया गया था, लेकिन काला धन समाप्त होना तो दूर, उल्टे देश की अर्थव्यवस्था ही चौपट हो गई। 70 साल सबसे खराब दौर से गुजर रही है अर्थव्यवस्था, इस दौरान ये राजीव कुमार ने कहा है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने, कि 70 साल में सबसे खराब दौर से अर्थव्यवस्था गुजर रही है। नोटबंदी और GST के बाद ये तमाम असर देखने को मिल रहे हैं। कुछ नेता तो झूठ की मशीन की तरह है, जब भी मुंह खोलते हैं धार 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 AK-47 की तरह बस झूठ ही निकलता शुरू हो जाता है। कोई कांग्रेसी परिवार का व्यक्ति शहीद वीर भगत सिंह को मिलने गया था? प्रधानमंत्री मोदी जी, आप गलत सवाल कर गए।
जवाहरलाल नेहरू ने न सिर्फ लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह से मुलाकात की बल्कि उन्होंने इसके बारे में लिखा भी। 1929 में जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तेज हो रहा था तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अंग्रेजों का ध्यान आकर्षित करने के लिए दिल्ली के ब्रिटिश विधानसभा हॉल पर बम फेंका। वो इसके लिए गिरफ्तार किए गए और जेल भेजे गए। भगत सिंह ने जेल की स्थिति को बेहतर बनाने का मुद्दा उठाया और जेल में भूख हड़ताल शुरू की। उनकी भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन हो चली। तब 40 साल के जवाहरलाल नेहरू ने जेल का दौरा किया और भूख हड़ताल पर बैठे भगत सिंह और अन्य लोगों से मुलाकात की। कुछ नेता तो झूठ की मशीन की तरह है, जब भी मुंह खोलते हैं धार 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 AK-47 की तरह बस झूठ ही निकलता शुरू हो जाता है। पाकिस्तान से युद्ध जीता जनरल थिमैया जी के नेतृत्व में, लेकिन उस पराक्रम के बाद कश्मीर को बचाने वाले जनरल थिमैया का उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू और उस समय के रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन ने बार बार अपमान किया था और इसी के कारण जनरल थिमैया को अपने पद से सम्मान के खातिर इस्तीफा देना पड़ा था। 1948 में थिमैया इंडियन आर्मी के चीफ नहीं थे, एक ब्रिटिशर जनरल रॉय बुशर इस पोस्ट पर थे। थिमैया 1957 में आर्मी चीफ बने और इस पोस्ट पर 1961 तक रहे। जनरल थिमैया ने 1948 में ना तो रिजाइन किया और ना ही रेजिग्नेशन ऑफर किया और ना ही नेहरू ने उनका कभी अपमान किया, बल्कि मोदी जी नेहरू ने तो 1948 में पाकिस्तानी रेडर्स को पीछे हटाने में थिमैया के रोल की तारीफ की थी। उनको लगता है कि झूठ से गाड़ी चल जाएगी, वो जमाना चला गया है, उनको पता नहीं है। आज लोगों को जानकारियां पाने का अनेक रास्ते मिल गए हैं, अब झूठ चलता नहीं है।